हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही रिफ्रेशिंग, इजी और टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है चॉकलेट पान। तो गाइस, इसमें हमने डाले हैं ढेर सारे नट्स और कैंडीज जिसको खा के हमारा माउथ जो है वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पान पत्ता, तो बड़े साइज़ के थोड़े पान पत्ता आपको लेना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ चॉकलेट, तो मैंने मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। आप इसमें न्यूटेला भी डाल सकते हो। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काजू, बादाम और पिस्ता, ये तीन ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पास 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 नहीं है तो आप सौंफ भी यूज़ कर सकते हो इस पर। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं गुलकंद, गुलकंद डालने से अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और यहाँ पर है मेरे पास चॉकलेट, तो आप किटकैट या फिर पर्क कोई भी चॉकलेट इसमें यूज़ कर सकते हो। चॉकलेट डालने के बाद हमें पान को अच्छी तरह से बंद कर लेना है। तो मैं ट्राइंगल शेप दे रही हूँ, आप कोन या फिर किसी भी शेप में अपने पान को फोल्ड कर सकते हो। पान को फोल्ड करने बाद एक टूथपिक से आपको पान को बंद कर देना है, इससे पान हमारा खुलेगा नहीं। तो मैंने टूथपिक पर एक चेरी लगा दी है और इससे हमें पान को इस तरह से बंद करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक पान जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने और भी काफ़ी सारे चॉकलेट पान बना ली है और इसको मैंने इसी तरह से टूथपिक लगा कर बंद कर लिया है। अब यहाँ पर है मेरे पास मेल्ट की हुई चॉकलेट, इसमें हमें हमारे पान को अच्छी तरह से कोट कर लेना है। तो मेल्ट की हुई चॉकलेट में हमें इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है चारों तरफ से, और इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। इसके बाद हमें इसको डाल देना है फ्रिज में आधे घंटे के लिए, जब तक ये कम्प्लीटली सेट ना हो जाए। सेट हो चुका है हमारे पान और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और चॉकलेटी हमारे चॉकलेट पान लग रहे हैं। तो गाइस, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।